कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजाखाना पांडू स्ट्रीट में मस्जिद से आजा का अहतमाम, अलामा कमर अब्बास मुजाहिद ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस में आजादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला जुलूस शबीर जुलझना मरकरी जिदातों पर रवा दवा। सिराज बिल्डिंग चौक पर मौलाना हसन अब्बास नकवी की इमामत में नमाज जोहरैन की अदायगी। हजारों आजादारान पुरानी अनारकली में नमाज मगरिबैन अदा करें। बाटापुर मरकजी इमाम बारगाह कसरे जैनब मुसाफिरा शाम में मजलिस से आजा। मौलाना काजिम रजा नजफी मौलाना अमजद अली आबदी ने मसाइब बयान किए। शबीर जुलझना का जुलूस बरामद, आजादारा ने हुसैन की कसी तादाद में शिरकत, नोहा खानी गिरियाजारी। इमाम बारगाह कसरे बतूल में मजलिस से आजा। मौलाना सैयद मोहम्मद जाफर फाजमी का फजाइल मसाइब अहले बैत पर बयान। शबीर जुलझना का जुलूस बरामद, चादमान चौक पर नमाज जोहरैन की अदायगी। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ 55 ए शाह जमाल पहुंचकर खत्म हो गया। हजरत अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार को गुसल देने की तकरीब। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने दीगर अहम शख्सियात से मिलकर मजार को अर्क़े गुलाब से गुसल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में वजीर इत्तलात असलम इकबाल, वजीर मजहबी अमूर सईदुल हसन सईद, नज़ीर चौहान सेक्रेटरी औकाफ, डीजी मजहबी अमूर समेत हजारों अकीदतमंदों के शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इजाफी नफरी तैनात। इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड पर मजलिस आज़ा का अहतमाम। मौलाना जुल्फिकार हुसैन नकवी का अहले बैत के फजाइल व मसाइब पर बयान। शबीर जुलझना ताजिया बरामद, आजादारान की कसी तादाद में शिरकत। इमाम बारगाह अलामा हारी वसनपुरा में मजलिस आजा। अलामा शबीरुल हसन ताहिरी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। जुलूस शबीर जुलझना भी बरामद, आजादारों की नोहा खानी गिरियाजारी। इमाम बारगाह नकवी सोडेवाल में अलामा मजहर अब्बास नकवी का फजाइल व मसाइब अहले बैत पर बयान। शबीर जुलझना बरामद, जियारत आलम बरामद। इमाम बारगाह अली इमरान फैसल टाउन में मजलिस आजा। अलामा जाफर हुसैन ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। इमाम बारगाह हुसैनिया सदर बाजार में भी मजलिस आजा, आजादारों की कसीर तादाद में शिरकत। नाजुल हुसैन जोहर टाउन में मजलिस आजा। अलामा गुलफाम हुसैन हाशमी ने शहदाए करबला के फजाइल व मसाइब बयान किए। आजादारा ने हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद में शिरकत। वजीर कानून बशारत राजा का सिविल सेक्रेटेरिएट कंट्रोल रूम का दौरा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मॉनिटरिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। वजीर कानून की जाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले जुलूसों की 375 कैमरों से मॉनिटरिंग। डीसी सालह सईद ने जुलूसों की मॉनिटरिंग के निजाम का जायजा लिया। सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर का इमाम बारगाह शादमान कॉलोनी का दौरा। मुस्तदी से ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को शाबाश। डीआईजी ऑपरेशन की मॉडल टाउन और ठोकर नियाज बेग आमद सिक्योरिटी का जायजा लिया। नौ मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम। आज और कल के लिए मोटरसाइकिल पर डबल सवारी बंद। मरकजी जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। निसार हवेली करबला गामिशा इमामिया कॉलोनी में मोटरबाइक एम्बुलेंस सर्विस तैनात। यौम आशूर पर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और अतराफ के इलाकों की सफाई सुथराई और धुलाई। MD LWMC ने जीरो वेस्ट ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया। कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। बस सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद रखने का फैसला किया गया। 70 स्पीडो बसों को भी महदूद रूट पर चलाया जाएगा। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट पर 3 आरजी अस्पताल कायम। सेंट्रल मॉडल स्कूल में कायम 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आरजी अस्पताल में 2 MROs और दीगर अमला 24 घंटे ड्यूटी देगा। अहले बैत की प्यास का एहसास ताज़ा करने के लिए दूध और पानी की तकसीम का सिलसिला जारी।